I am Luke Center. On your left. On your left, ma'am. Yeah. Please hold. Yeah, everyone here in my camera here. Sir, yahan par. एक मेरी राम कहानी है बचपन से लेकर के और ऑलमोस्ट लास्ट ईयर तक ये लिखा गया है ये कोविड के दौरान एक पूरी राम कहानी है जिसमें जो इसका सार है वो ये कि बाउंड्रीज डिफाइंड होती हैं हर के लाइफ में बट अगर अकल से काम किया जाए तो वो बाउंड्रीज बिना तोड़े हुए उसके एरिया को एक्सटेंड किया जा सकता है एंड लाइफ कैन बी मेड मोर मीनिंगफुल। पुलिस के एक्सपीरियंस को मैंने सुपर 30 में इस्तेमाल किया है और सुपर 30 के एक्सपीरियंस को पुलिस में आप यू कैन टॉक टू माय स्टूडेंट जो IIT मुंबई में है या उन्होंने बुलाया है आप उनका इंटरव्यू लीजिए वो आपको बताएंगे कि वो क्लास में पढ़ाते रहते थे और तब सडनली लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम मोबाइल पर अगर आ गया तो कैसे उनका माइंड स्विच करता था फ्रॉम पढ़ाई टू पुलिसिंग और जब उसका इंस्ट्रक्शन जब दे देते थे तो फिर वापस चले आते थे पढ़ाने में। दिस स्विचिंग फ्रॉम वन मोड टू अनदर मोड यूज टू टेक प्लेस वेरी स्मूथली कभी पता ही नहीं चलता था क्योंकि मैं दोनों को एंजॉय करता। सर ये कहानी बिहार से शुरुआत हुई है बिहार से मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा आपका एज ए प्रोफेशनल? नहीं मैं मुंबई प्रोफेशन में आया नहीं हूँ मुंबई में मैं आया था कि ये बुक को लोगों ने कहा कि आप मुंबई में प्रमोट कीजिए एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू संगम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जिनका हेडक्वार्टर्स भीलवाड़ा में और एक ऑफिस पटना में भी है वहाँ भी मेरे रिक्वेस्ट पर उन लोगों ने एक सुपर 15 बनाया है संगम सुपर 15 तो उन्होंने स्पॉन्सर किया कि हम आपका विल स्पॉन्सर दिस प्रोग्राम और मुंबई में उन्होंने कर दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। तो ऐसा कोई हमने सफ़र ना सुपर 15 सुपर 30 के लिए किया यहाँ और नहीं पुलिसिंग पुलिसिंग तो मैं कर नहीं सकता हूँ क्योंकि अब तो रिटायर। हमने अभी हमें थोड़ा पहले बुक पढ़ी उसमें लिखा आई रिमेम्बर तो आई रिमेम्बर के पीछे का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है बचपन मेरा बचपन उसके लिए पॉइंट जो हमने दिया है वहाँ बचपन ऑब्वियसली रिमेंबर होगा एट माई एज ऑफ अराउंड 70 जब मैं अपने बचपन की बात करूँगा तो आई रिमेंबर ही। सर ये कितने भाषाओं में रही कितने भाषाओं में? अभी तो मेरी जानकारी में एक ही भाषा है अंग्रेजी में। हिंदी को मैंने आपको बताया कि मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ लिख रहा हूँ हालांकि कई ऑफर थे कि ट्रांसलेट कोई कर देगा मैंने नहीं दिया क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है। अदर लैंग्वेजेस 6-7 महीना लगेगा अभी। नहीं कोई कनेक्शन इशू नहीं सर का इनका कनेक्शन आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमने एक्सपीरियंस शेयर किया है आपका कोई एक एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ जो आपने इस बुक में मेंशन किया या कोई इंसिडेंट जो आपको सबसे ज़्यादा दिल के करीब रहा हो जो आपने बुक में शेयर किया हो हमारे साथ शेयर किया? क्राइम दिल के करीब तो होता नहीं लेकिन हमने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं सबसे पहले जो दिमाग पे जोर लगा था ना वो था सासाराम में डकैतियाँ होती थी ASP था मैं पहला स्टेप होता है और जब डकैती हो जाती थी
मालूम हो जाता है कि लाखों का सामान लूट गया, एक आदमी तो लाखों से महरूम हो गया। मैं ढूंढता चलता था कि ये लाख इससे निकला तो गया कहाँ। वो अगर निकल गया एक जगह से, एक लाख रुपया इस घर से, तो कहीं तो पहुंचना चाहिए उसको। और जब वो डिटेक्ट होता था तो उसमें कुछ कपड़ा मिल जाए या कुछ बर्तन मिल जाए, और हम लोग उसको बहुत गर्व से कहते थे कि केस डिटेक्ट हो गया, और हम अपना सर पकड़ के बैठे रहते थे कि गया तो लाख और रिकवर हो रहा है हजार, तो इसका मतलब कहीं तो मिसिंग लिंक है, बहुत बड़ा कौन ले जा रहा है। और यही हमको प्रेरित करता रहता था ये क्वेश्चन कि तुमको ढूंढना होगा कि कहाँ जा रहा है, और अगर नहीं भी मिले तो उन लोगों को इनडायरेक्टली हम कैसे ला सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़, इंसिडेंट हम बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं रखते। सर एक सवाल यह है कि जैसा भी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बहुत सारी इनकाउंटर किया, लेकिन आपने हथियार नहीं रखे, आप इनकाउंटर का सपोर्ट में है कि आप क्या कहेंगे होना चाहिए? I don't get your question. He is asking, do you support police encounters or not? Because you had a gun and you never took it out of the holster. Yeah. I'll tell you, अगर आपके पास एक बंदूक है और आप अकेले हैं और आपके ऊपर गोलियां चलेंगी, तो उस समय कोई थ्योरी थोड़ा ही आएगा माइंड में कि अब हम मारे या नहीं मारे, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिएगा, वो नेचुरल है। हम लोगों की स्थिति ऐसी होती थी डिस्ट्रिक्ट में जब SP थे, तो कभी भी अकेले नहीं चलते थे या ऐसी जगह पर नहीं जाते थे अकेले जहाँ कि एनकाउंटर्स का चांसेस है। जहाँ भी जा रहे हैं एक्सपेक्टेड है कि एनकाउंटर होगा, तो साथ में आपके फोर्स रहता है। उस स्थिति में मेरे पास एक ही रास्ता रहता था कि तुम पूरे फोर्स को लीड कर रहे हो तो पूरी व्यवस्था को देखो कि वहाँ फायरिंग होगी तो लेफ्ट से होगी कि राइट से होगी, आगे बढ़ना है, पीछे आना है, फ्लैंक में जाना है, ये स्ट्रैटेजी हमको डिसाइड करनी है, वो जूनियर्स नहीं डिसाइड करते। तो अगर हम अपना ही वेपन लेके फायर करते रहेंगे तो हमको पूरा पर्सपेक्टिव दिखेगा ही नहीं। दैट वाज व्हाट आई वाज सेइंग। मैम सर, आज आप यहाँ पर हमसे जुड़े हैं अनबाउंडेड के साथ, आपको लाइक कैसा महसूस हो रहा है? पहले सर जवाब देंगे। No, it's okay, I don't listen, equal words. चलिए मैं बोलती हूँ। तो जैसा मैंने पहले कहा कि आई एम वेरी ऑनर्ड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसे महानुभावों के बीच में बैठी हूँ जिन्होंने ना सिर्फ देश की सेवा की लेकिन बच्चों के लिए की भी सेवा की है और उनको एक ब्राइट फ्यूचर देने के लिए काम किया है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस बुक एंड सर इफ यू डोंट माइंड यू हैव टू साइन इट फॉर मी। सो आई एम रियली हैप्पी एंड मैं आप सबको फिर से थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है गणेश चतुर्थी का ये वीकेंड है और सब अपने घर में आराम करना चाहते हैं और आप संडे के दिन यहाँ आए सुबह सुबह, दैट्स रियली वंडरफुल। एंड थैंक यू टू माई फ्रेंड अनिल मुरारका जी जो हमेशा अच्छा काम करते हैं और अच्छे कामों में सहयोग देते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। अगर आपको मौका मिले बुक के लिए जो स्टोरी है बड़े पढ़ने को उतारने के लिए, कहाँ तक कुछ हो सकता है? देखिए आपको पता है मुझे पहली बार पता चला कि सुपर 30 के इन्वेंटर ये थे, लेकिन आज तक मैं अश्विनी जी को मानती थी लेकिन अश्विनी जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है सुपर 30 में। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ऐसा, लेकिन ऐसे एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर ज़रूर फिल्म बननी चाहिए जिसने इतने बड़े जो बड़ा ओहदा उन्होंने प्राप्त किया लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी अपना गन इस्तेमाल नहीं किया। आजकल पुलिस ब्रूटैलिटी वगैरह हम बहुत देखने को, आजकल क्या बहुत पहले से है और देखने को मिलता है, और पुलिस आप देख रहे हैं हमारे देश में जैसा जो चल रहा है स्पेशली यूपी बिहार में, पुलिस लोगों को पटक रहे हैं, पीट रहे हैं, कोविड के दिनों में तो उन्होंने आतंक ही मचा दिया था। तो हालांकि उनकी भी अपनी प्रेशर्स होती हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, उनकी भी सिचुएशंस बहुत मतलब इतने क्या कहते हैं नॉट वेरी कंड्यूसिव सिचुएशंस, बट ऐसे पुलिस ऑफिसर के बारे में ज़रूर एक फिल्म बननी चाहिए। आई एम ऑल्सो ऑनर्ड एक्चुअली रियली टू बी शेयरिंग द स्टेज। एंड दूसरा जो इन्होंने एक फॉर्मेट सेट कर रखा है, जो फॉर्मेट सेट किया है ये मतलब सुपर 30 का, तो इट्स नॉट गोना बी फॉर नाउ, इट्स गोना बी फॉर फ्यूचर। मतलब जितने भी हमारे अंडर प्रिवलेज बच्चे हैं जिनको वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है गवर्नमेंट से और कहीं से भी, सो यू नो इस फॉर्मूले के साथ मतलब दे विल गेट द प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रॉपर प्लेटफॉर्म। एंड थैंक यू सर।
आज हमारे साथ अनिल जी भी है, हमारे साथ अनबाउंडेड के साथ. आप सर, आपको कैसा फील हो रहा है जैसे आपने पूरी स्टोरी सुनी और जो आप पूरी बुक भी पढ़ने वाला है, वेरी श्योर, तो आप क्या कहना चाहोगे? एक ही लाइन कहूँगा, नमन करता हूँ, दिल से नमन करता हूँ. इट्स सच अ ग्रेट फीलिंग टू बी हियर. मुनिका जी ने कहा फिल्म ज़रूर बननी चाहिए. मैं बोल रहा हूँ फिल्म क्या, ये किताब अपने आप में एक ऐसी अद्भुत चीज़ निकल के आई है. दादा आप एग्री करेंगे, इट्स सी देयर विल बी दीज प्रोड्यूसर्स दी डायरेक्टर्स आफ्टर दिस थॉट. नाउ हाउ डू यू टेक दिस फॉरवर्ड? Now it depends on him, how does he want to take it forward or not. Because such stories are extraordinary. और अपने बॉलीवुड में तो ऐसे फनकार बैठे हैं जो तैयार बैठे हैं कि कोई ऐसी चीज़ आगे ली जाए. Very soon you will something here on this. Yes, it's being taken forward. May I just add to this? एक बॉलीवुड फिल्म बने तभी इसको रिकग्निशन मिले. आई डोंट थिंक बॉलीवुड फिल्म इज़ द लिमिट. आई फील ऐसी कहानियाँ, ऐसे जो बुक्स हैं, ये पूरी दुनिया में इंस्पिरेशन होना चाहिए. इट शुड गो एंड इंस्पायर एवरीबडी इन द होल वर्ल्ड दैट वन पर्सन. हम लोग कहते हैं कि अरे यार मैं सुबह से रात को ऑफिस जाके मैं थक गया. एक इंसान ने ना ही सिर्फ अपने पुलिस का काम किया, अपनी ड्यूटी निभाई, उन्होंने बाकी समाज के प्रति भी अपनी ड्यूटी निभाई. दिस इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर नॉट बॉलीवुड, इट शुड बी एन इंस्पिरेशन फॉर द इंटरनेशनल वर्ल्ड. अपनी आवाम खास कर दो ही भाषा समझती है. सर अपनी आवाम को तो आजकल बॉयकॉट पे लगा दिया है. बॉलीवुड और ये ऊपर वाले का खौफ, ये दो चीज को ब्लेंड करो आप तो ये आवाम तक पहुंचता है बेटा. नहीं एब्सोल्युटली. सर एक चीज जानना चाहेंगे आपसे सर, जो ऑफिसर्स होते हैं आज के दौर में वो प्रेशर में बहुत ज्यादा काम करते हैं, कोई टिप्स आपकी ओर से होगी उन ऑफिसर्स के लिए कि प्रेशर्स को किस तरह से हैंडल किया जाए? प्रेशर का दो कंपोनेंट होता है, एक लगाने वाला और एक झेलने वाला. लगाने वाले की बात तो मैं नहीं जानता हूँ, अगर मेरे ऊपर लगेगा तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम प्रेशर को लेते हैं या नहीं. सही बात है. आप रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग उस किताब पढ़िए, इस किताब में लिखा हुआ है आपके प्रश्न का उत्तर. उसमें लिखा हुआ है, इसके डेडिकेशन में ही है. डेडिकेशन से पढ़ दे रहा हूँ. टू द कॉन्स्टेबल्स ऑफ बिहार पुलिस इन हुज लैप आई स्पेंट माई चाइल्डहुड एंड द पीपल ऑफ बिहार हु प्रोटेक्टेड मी फ्रॉम द विम्स एंड फैंसीज ऑफ पॉलिटिशियंस. दिस इज द आंसर. जो प्रेशर की बात आप कह रहे हैं, किताब में कहीं और अभियानंद जी ने लिखा है, लॉ इज योर वेपन एंड लॉ इज ऑल्सो योर शील्ड. वो आपका हथियार भी है, वो आपकी ढाल भी है, यही है उसका इलाज. किताब में है आपके प्रश्नों का उत्तर, इसी किताब में. शुरुआत कैसे हुई और कैसे नाम कैसे? नाम शुरुआत 2002 में हुई थी और हम लोग दो लोग साथ में मिलकर के किए. उस समय मैं नौकरी में था इसलिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था इसको करने का, फिर भी मैं करता. शुरुआत वैसे ही हुई बहुत छोटे से स्तर पर, अभी भी कोई बहुत बड़ा स्तर नहीं. ये गाड़ी चलती गई, एक ही चीज़ था जो मेरे जहन में बात बैठी हुई थी कि ये कमर्शियल धंधा नहीं हो सकता, किसी कीमत पर इसको कमर्शियल धंधा नहीं बनाना. हुआ ये कि मेरा तो ये पैशन था, क्योंकि मेरे पास पैसे का अपना प्रॉब्लम नहीं था, नौकरी भी थी, पत्नी जॉब कर रही थी, इश्यूज नहीं थे. और जो दूसरे सज्जन थे उनके लिए तो ये प्रोफेशन था. For me it was a passion, more of a passion. उसके बाद फिर जब ये क्लियर हो गया कि नहीं प्रोफेशन और पैशन एक साथ नहीं चलेगा, तो क्विट हो गया. सर आपने इसमें
सीनियर इंस्पेक्टर मुकुट प्रसाद जी का भी आपने इसमें जिक्र किया, उनका भी जिक्र किया चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ओके कहाँ पर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमेशा बिहार के लिए झारखंड में क्योंकि हमेशा प्रमोशन हमेशा एक दौर रहा, हमेशा देखा बिहार के लिए कुछ करना चाहिए, एक नया टैलेंट निकालते रहते हैं इनके साथ। कब आपके साथ बॉन्डिंग हुआ, कैसे आपसे आपकी संपर्क में? हमेशा बिहार की कोशिश करना चाहता हूँ। कोशिश हम सभी करते हैं, आप हमको खाली इतना सोचना ये ज़रूरी है कि हम कुछ भी काम करें आज उसमें हम पूरी शिद्दत से करें, अंजाम अपने आप आता है उन चीज़ों का। जैसे अभी अभिनंदन जी ने कहा सुपर 30 का आपने जिक्र किया उनसे, वैसे ही मैं एक नाम यहाँ ज़रूर देना चाहूँगा जिन्होंने भाई साहब को देख के एक सुपर 15 थॉट भी आगे लेके चले हों। आपकी परमिशन के साथ संगम ग्रुप के मदानी जी हैं जो वहाँ के चेयरमैन हैं, उन्होंने सुपर 30 से पूरा इंस्पायर होके एक मुहिम वहाँ शुरू की है सुपर 15। जैसे आज बाबूजी 30 बच्चों लेके चलते हैं, वो 15 बच्चों लेके चलते हैं। तो इट्स अबाउट हाउ यू एडेप्ट थिंग्स, हम सब सक्षम हैं, हाउ डू वी टेक इट फॉरवर्ड दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। आज इसी माध्यम पे बाबूजी परमिशन ले रहा हूँ कि अगर उनका हाथ रहा तो कुछ ना कुछ बम्बई में भी हम इस पर जरूर काम करेंगे। लेकिन आप 30 करिए, 15 नहीं। मैम ईश्वर ने चाहा 45 करेंगे। क्या बात है, आप चाहेंगे। इट्स नॉट, अगेन मैं बोलता हूँ बिहार नहीं, देश हमारा, इट्स ऑल अबाउट अवर कॉन्टिनेंट, हिंदुस्तान हमारा। अभिनंदन सर, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दौर में? शक्ति आप में है, आपके अंदर है, बाहर अगर ढूंढिएगा तो आप कुछ निराश नहीं रहेंगे, अपने अंदर जाके मिलेगी शक्ति। थैंक यू।